हेलो एवरीवन, दिस इज रितेश। स्वागत है आपका आर केमिस्ट्री कॉर्नर में। गाइस देखिए, इससे पहले हम लोग लेसन वन और लेसन टू कर चुके हैं, ठीक है। पार्ट वन में हम लोग बेसिक डिस्कस किए थे और ये चैप्टर जो होगा मेंसुरेशन पे होगा, कोर्स पे रिलेटेड होगा और ये रेलवे ग्रुप डी और टेक्नीशियन दोनों के सिलेबस को कवर करेगा और साथ में एसएससी का भी सिलेबस को कवर करेगा, ठीक है। हम लोग पार्ट वन में बेसिक डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी और पार्ट टू में रोम्बस और रेक्टेंगल भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। गाइज ये लेसन थ्री होगा, मतलब पार्ट थ्री होगा ये, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्वायर, उसके बाद आपको पैरेललोग्राम, ठीक है, उसके ट्रेपेजियम, ये तीन हम लोग इस लेसन में डिस्कस करेंगे। अगर आपको पिछले दो लेसन से कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करके पूछिएगा गाइज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग स्क्वायर डिगर डिस्कस करते हैं, हम लोग अभी इसमें बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले सबका बेसिक सीख लेंगे और उसके बाद प्रॉपर्टीज सीख लेंगे, उसके बाद तो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा आपके एग्जाम के लिए। देखिए स्क्वायर का अगर फिगर बनाया जाएगा इस, तो ऐसे बनता है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब होता है कि आपको हिंदी में इसको वर्ग बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में वर्ग बोलते हैं। और इसका आपको हर एक साइड जो साइड होगा आपको हर साइड इसका इक्वल होता है, जैसे ये साइड आपको इक्वल होगा इसके और ये दोनों इसके, ठीक है। अगर ये अगर आप ए लेते हैं तो ये भी ए हो जाएगा आपको ऑटोमेटिक, क्योंकि हर एक साइड इक्वल होता है स्क्वायर का, तभी वो स्क्वायर का फॉर्म बनेगा और एक दूसरे का पैरेलल होता है। ये लाइन एक दूसरे का पैरेलल होता है। अगर इसको नाम दे दिया जाए ए बी सी डी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये भी देखिए, इसमें से क्या होता है, ये लाइन इस दूसरे का पैरेलल होगा, ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा डी सी का, ठीक है, और उसके बाद ये लाइन पैरेलल होगा ये लाइन का, ए डी पैरेलल होगा आपका बी सी का। और इसका एक क्या है कि इसका हर एक कोण 90 डिग्री होता है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी जो होगा वो 90 डिग्री पे बनेगा, हर एक को 90 डिग्री पे बनेगा। और इसका जो आपको डायगोनल्स होगा, जिसको हम लोग डायगोनल्स बोलते हैं, यानी कि ए सी और जो ये वाला डायगोनल्स होगा बी डी, ये इक्वल होगा, ठीक है, दोनों का साइज सेम होगा, एकदम इक्वल होगा। तो गाइज ये फीचर था। अगर इसका हम लोग एरिया का बात करें कि एरिया कैसे फाइंड करते हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, आपको ये वाला साइड और ये वाला साइड का स्क्वायर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू ए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, दैट मीन्स ये साइड पे स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। और अगर पेरीमीटर का बात करें तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, ये साइड, ये और ये और ये, ठीक है, सारे साइड को अगर हम लोग जोड़ दें तो पेरीमीटर निकलता है। तो इसमें देखिए फोर साइड है, तो हम लोग लिख सकते हैं फोर इंटू ए, दैट मीन्स फोर इंटू साइड, हमारा ये फार्मूला हो जाएगा। तो दो फार्मूला यहाँ से निकलता है, जो बेसिक फार्मूला होता है, एक ए स्क्वायर इसका एरिया होता है क्षेत्रफल, और इसका पेरीमीटर परिमाप बोला जाए तो फोर इंटू साइड ये होता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर का फीचर था, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक सीखेंगे, जिससे किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं हो, हर एक स्टूडेंट के लिए हो। और रेलवे ग्रुप डी और टेक्नीशियन का सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम। तो चलिए हम लोग पैरेललोग्राम डिस्कस करते हैं इसमें, ठीक है। इससे पहले आई होप कि आपको स्क्वायर वाला पार्ट समझ में आया होगा गाइस, ठीक है। देखिए इस पैरेललोग्राम का फिगर कैसे बनता है। फिगर बनाने से पहले मैं आपको ये बोल दूं कि ये बहुत ही बेसिक हम लोग सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। पैरेललोग्राम का फिगर बनाया जाए गाइस, देखिए इस तरह से इसका फिगर बनता है, आमने सामने का साइड इसका पैरेलल होगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा गाइस। पैरेललोग्राम का जो फिगर बनता है, ये मान लीजिए इसको ए बी और ये सी और ये डी फिगर है, ठीक है, तो ये वाला जो लाइन होगा इसका पैरेलल होगा, ये वाला लाइन इसका पैरेलल होगा, ठीक है। तो बस यही है पैरेललोग्राम का, और इसका ये वाला जो लाइन होगा इसके बराबर होगा और ये वाला लाइन इसके बराबर होगा। ये लाइन सेगमेंट होता है क्योंकि इसका दो इन पॉइंट है गाइस, ठीक है। उसके बाद इसमें एक
आपको कंस्ट्रक्ट किया जाए तो एक आपका ये निकलेगा डायगोनल्स और इसका आपका एक ये वाला डायगोनल्स निकलेगा, ठीक है। तो इसका मान लीजिए ये हाइट होगा, यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये हाइट होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा किस पे, ये वाला बेस पे, और ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया हो जाएगा आपको बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हो गया इसका बेस इंटू हाइट, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। और पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड, सिंपल है एकदम पेरीमीटर निकालना, सम ऑफ ऑल साइड, सब साइड को आपको जो दिया होगा आप सब साइड को जोड़ दीजिए, सम ऑफ ऑल साइड निकल जाएगा इसका पेरीमीटर, ठीक है। देखिए हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है, फॉर्मूला अगर याद ना भी रहे तो हम लोग कॉन्सेप्ट के थ्रू अपना मतलब आपको बना सके हैं, ठीक है। ये पैरेललोग्राम का कुछ डिस्कशन था जो मैंने आपके साथ किया हूँ, और जो इक्वेशंस हम लोग करेंगे इस पे बेस्ड तो हम लोग का डाउट और ज़्यादा क्लियर होगा। इसके बाद आता है ट्रैपेजियम, ठीक है। ट्रैपेजियम का जो फिगर होगा थोड़ा सा चेंजेस होता है इसमें, ट्रैपेजियम अच्छा होता है। देखिए इस तरह से ट्रैपेजियम का फिगर बनता है गाइस, और ये आपका हो गया इसका हाइट होता है, ठीक है। ए बी सी और डी माना जाए तो ये एक इसका एक साइड है और इसका एक ये साइड है, ठीक है। और उसके बाद ये इस पर हाइट है 90 डिग्री का जो लंब गिर रहा है, इस हाइट को आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ट्रैपेजियम का जो एरिया निकालना होगा हम लोग को, आपको इसका हाइट हो जाएगा बेस इंटू हाइट, इसका भी यही फॉर्मूला होगा बेस इंटू हाइट, ठीक है। सॉरी इसका जो एरिया होगा आपका, इसका एरिया बेस इंटू हाइट नहीं, ये पैरेललोग्राम के लिए होता है, ठीक है। इसका एरिया हो जाएगा 1/2 और सम ऑफ ये साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड को आपको सम कर देना है, मतलब ए प्लस बी, और उसके बाद जो एच होगा ये वाला एच से आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से आप इसमें एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैपेजियम के लिए था ये, और इसमें ठीक है फ्रेंड, तो आप इस तरह से ट्रैपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं 1/2, और ये वाला साइड जो आपको दिया होगा और ये वाला साइड जो दिया होगा, इस दोनों को जोड़ के और आपको हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह से आप एरिया निकाल लीजिएगा, और पेरीमीटर फिर ये वाला साइड और ये साइड, ये साइड, सम ऑफ ऑल साइड जो कॉन्सेप्ट होता है पेरीमीटर का, जोड़ के आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो देखिए इस लेसन में हम लोग सीखे हैं एक स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर का एरिया, उसके बाद आपको पैरेललोग्राम का एरिया, और तीसरा हम लोग सीखे हैं आपको ट्रैपेजियम का एरिया निकालना, ठीक है। ये भी हम लोग फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, और इसके बाद हम लोग करेंगे इसका स्क्वायर का क्या होता है, आपको ए स्क्वायर मतलब साइड पे आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद पैरेललोग्राम का क्या होता है, बी इंटू एच, बी इंटू एच, सिर्फ बस बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ये वाला जो हम लोग निकाले थे बेस इंटू हाइट। और इसके बाद ट्रैपेजियम का हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी, सम ऑफ ये पैरेलल साइड उसके बाद इंटू हाइट, ठीक है। तो इस तरह से आप तीन हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं फिगर। इसके बाद जो लेसन आएगा, इसके बाद का जो लेसन आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सर्किल का, उसके बाद आपको सर्किल, और उसके बाद फिर ट्राइंगल। 2D फिगर का पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपको 3D फिगर का। आई होप आपको आज का लेसन समझ में आया। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।